हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मायोनीज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मायोनीज विद एग भी बनती है और एगलेस भी बनती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मायोनीज विद एग की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत आसान है, चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। मायोनीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक जार और इसमें मैं डाल रही हूँ एक अंडा। अब इसमें जाएगा एक टीस्पून पाउडर शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और एकदम प्लेन बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक टेबल स्पून वाइट वेनेगर मैं डाल रही हूँ। वाइट वेनेगर की जगह आप एक टेबल स्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास है 200 ml रिफाइंड ऑयल, जिसमें से 100 ml मैंने अभी डाल दिया है। अब मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ मायोनीज बनाने के लिए। ये देखिए, इसे इस तरह से हमें ब्लेंड करना है। लगभग 20 से 25 सेकंड के लिए हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर को थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके ब्लेंड करेंगे ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा थिक हो गया है हमारा मिक्सचर। अब इसमें बाकी बचा हुआ रिफाइंड ऑयल भी मैं डाल दूंगी। फिर से हमें 20-25 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है हमें ब्लेंडर को, और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि मायोनीज थिक हो रही है। आप चाहें तो मायोनीज को प्लेन भी बना सकते हैं या इसमें कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। ये देखिए, होममेड मायोनीज बनके एकदम तैयार है और इसका टेस्ट भी एकदम मार्केट जैसा होता है। बड़ी आसानी से ये मायोनीज घर में तैयार हो जाती है। आप भी एक बार इसे इस तरह से बना के जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी मायोनीज कैसी बनी है। मायोनीज एकदम रेडी टू यूज है। इसे आप किसी भी रेसिपी में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और इसे 5-6 दिन के लिए बड़े आराम से आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।